चलो अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे थे डार्विनिज्म, डार्विन का जो भी इवोल्यूशन का थ्योरी था उसके बारे में। डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो ये थ्योरी शायद ये पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। इस थ्योरी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, बहुत सिंपल सा थ्योरी है। इसका सिंपल मतलब यही होता है ना कि डार्विन का क्या मानना था कि इवोल्यूशन कैसे होता है, इस पे पूरा बेस्ड था ये कैसे होता है इवोल्यूशन, उसके लिए उनका क्या कंसेप्ट था, वो कैसे सोचे, इन सब बातों पे। तो देखो इसके बारे में आगे देखते थोड़ा सा। जैसे ही आप नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये वाला जो थ्योरी था, स्क्रीनशॉट लेना अंशु, ठीक है ना, और माइक ऑन रखना, कोई दिक्कत हो तो डायरेक्टली पूछ लेना, ठीक है। फैजान बेचारा आज बहुत लेट से उठा ही, तो मैसेज किया कि सर 11 बज गया था, नाश्ता भी नहीं किया होगा, तो नाश्ता कर रहा होगा। और जोया का तो तुमको बता ही दिए, तो तुम ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। माइक ऑन रखना, जैसे ही दिक्कत हो तुरंत बोलना, डिस्टरबेंस वाला तो बात नहीं कि कोई और को डिस्टरबेंस हो। थ्योरी वाज ज्वाइंटली गिवन बाय सी आर डार्विन। डार्विन का नाम तो सुनी हो ना, चार्ल्स डार्विन, और एक और साइंटिस्ट थे ए आर वैलेस, इनका नाम नहीं सुनी होगी, ए आर वैलेस का। नहीं। हाँ इनका नाम नहीं सुना होगा, बताते हैं। ये दो साइंटिस्ट मिलकर दिए थे, ए आर वैलेस और डार्विन, ये दोनों मिलकर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिए थे, या डार्विनिज्म, डार्विन का थ्योरी दिए थे इवोल्यूशन के लिए। डार्विन के बारे में दो तीन बात पहले बता चुके थे, चूंकि आज तुम पहली बार क्लास करी हो तो तुमको थोड़ा हम दोबारा रिवाइज करा देते हैं। डार्विन एक आइलैंड पे काम किए थे, उसका नाम था गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड। दूसरा बात, उनका जो मॉडल एनिमल था जिस पे वो रिसर्च करने के बाद अपना थ्योरी दिए थे, उस बर्ड को हम लोग बोलते हैं डार्विन्स फिंचेज, डार्विन्स फिंच बोलते हैं एक्चुअली। और इसको डार्विन दो बेसिस पे सेलेक्ट किए थे। पहला बेसिस था सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ बीक स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ बीक स्ट्रक्चर, दूसरा पामेज कलर, पामेज कलर, पामेज का मतलब होता है फिदर, क्योंकि एनसीईआरटी पामेज नाम लिख रहा है इसलिए उसको फिदर बोलते हैं। एनसीईआरटी पामेज लिखा इसलिए हम भी आपको पामेज लिख दिया, एक्चुअली उसका सिंपल मीनिंग होता है पंख, उसके पंख के कलर पे, उसका चोंच का स्ट्रक्चर पे, और फीडिंग हैबिट पे, खाना कैसे खाता है, क्या खाता है। इन तीन बेसिस पे वो डार्विन फिंच को सेलेक्ट किए थे, और इसी के बेसिस पे वो डार्विन अपना पूरा पूरा थ्योरी दिए थे, ठीक है। यहां तक ठीक है ना, कोई दिक्कत बोलो। Yes, ठीक, डार्विन ने दो तीन बुक लिखे थे, बुक्स ऑफ डार्विन। पहला बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या नाम था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये वही बुक था जिसमें डार्विन पब्लिश किए थे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन तो पता होगा ना, 11th में पढ़ी होगी, पता नहीं पता बोलो, 11th 10th दोनों में पढ़ी होगी। अच्छा नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि नेचर हमेशा ही पॉपुलेशन को चेक करता रहता है और पॉपुलेशन को चूज करता है। जैसे मान लो अभी नेचर इस दुनिया में कोविड, कोरोना वायरस लेकर आया, अब कोरोना वायरस की मदद से नेचर दो तरह के आदमी को छांट रहा है, एक तरह का आदमी जिसका इम्यूनिटी बहुत वीक है और दूसरे तरह का आदमी जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है। अब बताओ, नेचर दोनों को अलग अलग कर दिया, कमजोर इम्यूनिटी वाला को सबको मार दे रहा है खत्म,
अच्छा इम्यूनिटी वाले को जिंदा रख रहा, बचा ले रहा। तो नेचर क्या किया, पूरे पॉपुलेशन पे को चेक किया, और चेक करने के बाद जिसके पास बेटर सर्वाइवल कैरेक्टर्स था उसको चूज कर लिया, और जिसके पास कम सर्वाइवल कैरेक्टर्स था उसको इलिमिनेट कर दिया। समझ में आ रहा है यहां तक, या कोई दिक्कत बताओ? बोलो बच्ची, दिक्कत है? बोलो। आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज कट रहा है? अच्छा, तब तुम्हारी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, अभी बात है। खैर कोई नहीं, अभी आवाज आ रहा है? तुम चैट में लिख दो, चैट में लिख दो कि ठीक है या नहीं ठीक है। डिसेंट ऑफ मैन दूसरा बुक था डार्विन का, जो कि वो ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर लिखे थे। कि आखिर याद होगा डार्विन के बारे में जो सबसे पहली बार तुम सुनी होगी वो ये सुनी होगी कि बंदर से इंसान बना, ये डार्विन बताए थे सबसे पहले। तो इट वॉज द थ्योरी विच वॉज रिलेटेड टू ह्यूमन इवोल्यूशन गिवन इन द बुक डिसेंट ऑफ मैन बाई चार्ल्स डार्विन। और जब डार्विन इतना बुक लिख रहे थे तो ए आर वैलेस को जलन हो गया, बोले नहीं हम भी एक किताब लिखेंगे। तो वो एक बुक क्या लिखे, नाम सुनो बस, नाम ही बहुत जबरदस्त है, ऑन द टेंडेंसी ऑफ वैरायटी टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम ओरिजिनल टाइप। ये उनके किताब का नाम था, नाम कम एड्रेस ज्यादा लग रहा है। ऑन द टेंडेंसीज ऑफ वैरायटीज टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम ओरिजिनल टाइप। ये बोर्ड नहीं पूछेगा, ये सिर्फ नीट पूछेगा, इसीलिए इसका टेंशन लेना है। ये वाला बुक भी, ये नाम देखो हो सकता है बोर्ड में एमसीक्यू में आ जाए कि डार्विन का बुक कौन सा है, तो ये हो सकता है, बट किससे रिलेटेड था, ह्यूमन इवोल्यूशन से, डिसेंट ऑफ मैन, ये नहीं पूछेगा। ठीक है यहां तक? अच्छा, डार्विन किस आइलैंड पे काम किए थे? गैलापागोस आइलैंड। आइलैंड किसको बोलते हैं, एक ऐसा जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, तो वहां जाने के लिए जहाज का जरूरत पड़ेगा ना, तो जो इस जहाज से डार्विन गए थे वहां, उसका नाम था HMS बीगल, नेम ऑफ द शिप। ये भी नीट के लिए, ये भी नीट के लिए है, आपसे नहीं पूछेगा बोर्ड में। ठीक है, कुछ बोल रही थी क्या? कुछ बोल रही थी अंशु? सर आपका आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बाबू, नेटवर्क की वजह से ऐसा हो रहा होगा। थोड़ा कहीं ऐसा जगह पे जाओ ना जहाँ नेटवर्क पकड़े, बाहर वाले रूम में जाओ, या एक ऐसा रूम जिसमें खिड़की हो उसमें जाओ। खिड़की वाला ही रूम में। अच्छा, तब कोई नहीं, रिकॉर्डिंग तुम एक बार दोबारा भी देखना होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो रहा होगा, रिकॉर्डिंग देखना यूट्यूब पे। ठीक है, और जहां कहीं भी छूटे वहां बोल देना, तो कई बार रिपीट भी कर देंगे। ठीक है ना? ये देखो अब अगला, ये जो डार्विन थे ना, वो दो बुक से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू बुक्स। पहला बुक थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, दो किताब से बहुत ज्यादा प्रभावित थे डार्विन। थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ये किसका बुक था, तो TR मालथस का बुक था। ये भी तुमसे नहीं पूछेगा,
बता दे रहा हूँ साफ साफ, जो नहीं पूछेगा उसको कॉपी में मन हो तो लिखना, नहीं मन हो तो नहीं बिल्कुल भी चलेगा। दूसरा इज प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ये चार्ल्स लेलिल का बुक था। चलो अब उनके थ्योरी को, ये पूछेगा तुमसे थ्योरी क्या था डार्विनिज्म का वो बताओ। पहला थ्योरी वाज, अच्छा की थ्योरी के लिए पहले एक पॉइंट लिख लो, की कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म, डार्विनिज्म का की कंसेप्ट दो था। पहला था ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट इसका मतलब क्या होता है देखो, इसका मतलब होता है जैसे मान लो ये कोई इंडिविजुअल है, जैसे मान लो हम ही, तो मेरा जो वंश होगा वो कैसे बढ़ेगा, देखो एक के बाद दो, उस दो से फिर से चार, अगर समझ में आ रहा हो तो। जैसे देखो यहाँ मान लो मेरे अंदर कैरेक्टर कुछ है, आई का कलर मान लो मेरे आई रेड है, तो ये रेड आई वाला कैरेक्टर मैंने दोनों बच्चों पे जाएगा, फिर उनके भी बच्चों में जाएगा, है ना। और ध्यान से देखने पे ये एक ब्रांच की तरह लग रहा है कि मेरा जो भी डिसेंसी होगा, मेरा जो भी वंश होगा, वो ब्रांच के फॉर्म में इंक्रीज करेगा, ब्रांच के फॉर्म में। और यही डार्विन का की कंसेप्ट था कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है तो उसका जो भी कैरेक्टर्स होता है वो ब्रांच के फॉर्म में फैलता चला जाता, एक जगह रुका नहीं होता। ठीक है आगे देखते हैं। यस सर। ब्रांचिंग डिसेंट हो गया, और दूसरा इज नेचुरल सिलेक्शन, ये हम आपको बता चुके क्या होता है। पहला इज ब्रांचिंग डिसेंट एंड दूसरा इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर हमेशा ही इस दुनिया में बेस्ट को सेलेक्ट करता है, और जो भी थोड़ा सा कम अच्छा है या कम सूटेबल है उसको इलिमिनेट कर देता है। तो इनका पहला थ्योरी का पहला कंसेप्ट को पढ़ते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसको हटा देते हैं फिर दोबारा क्लियर करके देखते हैं। ये की कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। चलो आगे, इनका जो थ्योरी था उसका पहला पार्ट बोलता था ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन, या फिर इसको एक और नाम दिए इनॉर्मस फर्टिलिटी, इनॉर्मस फर्टिलिटी। देखो ये बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है ओवर प्रोडक्शन और इनॉर्मस फर्टिलिटी का। डार्विन के हिसाब से, डार्विन अपने नेचुरल सिलेक्शन में या फिर जो थ्योरी ऑफ ये था, क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था, उसमें क्या बोले, वो बोले कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो किसी गिवन एनवायरमेंट में, गिवन सराउंडिंग में ज्यादा फिट बैठेगा वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और जो फिट नहीं बैठेगा उसको नेचर इलिमिनेट कर देगा, खत्म कर देगा। और ये जो कंडीशन है नेचर का वो लगातार चेंज हो रहा है, उस चेंज कंडीशन में जो खुद को ढाल लिया वो बच गया, जो नहीं ढाल पाया वो खत्म हो गया। मतलब ये जैसे देखो एक साल दो साल पहले तक कोरोना नहीं था, अचानक से एनवायरमेंट चेंज किया और हमारे हर तरफ कोरोना आ गया। अब इस चेंज कंडीशन में जो फिट है, कौन फिट है, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो तो बच गया, और जिसका इम्यूनिटी वीक है वो खत्म। समझे बात नहीं समझे? लेकिन डार्विन के हिसाब से अगर हम बात करें तो डार्विन के फिट का मतलब था रिप्रोडक्शन एबिलिटी से, जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा फिट होगा वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, उनका सिंपल कंसेप्ट था। मतलब ये कि जो ऑर्गेनिज्म फिट होगा किसी एनवायरमेंट में वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, ज्यादा बच्चे पैदा करेगा और अपना नंबर बढ़ाएगा, जो ऑर्गेनिज्म फिट नहीं होगा उनका बच्चा कम होगा
ऐसे मान लो एक दो पॉपुलेशन था, दो ब्रीड था डॉग का, ब्रीड ए ब्रीड टू। ब्रीड ए मान लो ज्यादा फिट है तो उसका ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और ब्रीड बी मान लो कम है ना, थोड़ा कम फिट है, तो उनका पॉपुलेशन थोड़ा घटेगा। पॉपुलेशन घटने का मतलब क्या कि पॉपुलेशन ए का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे मान लो इंडियन और पाकिस्तानी में लड़ाई हो रहा है, अगर ऐसा इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान का पॉपुलेशन कम है, और लड़ाई इन द सेंस जीने के लिए कंपटीशन, तो खाना तो मान लो 10 रोटी ही है, तो किसका ज्यादा चांस है जिंदा रहने का? डायरेक्ट बात है, इंडियन ज्यादा नंबर में है, जल्दी से खाना लूट लेगा कोई ना कोई, इंडियन बचेगा पाकिस्तानी मरेगा, ऐसा होगा। तो जिसका नंबर अधिक होगा वो हमेशा ही अपने से कम नंबर वाले पे हावी हो जाएगा और धीरे धीरे उसका पॉपुलेशन खत्म कर देगा। यही था इस पूरे कंसेप्ट का मतलब, अब समझो जरा। इट स्टेट्स दैट ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पीयूष तुम्हारा फुफेरा भाई है या ममेरा भाई है? बहुत दूर का रिश्ता है सर, बहुत क्या? बहुत दूर का रिश्ता है, मतलब दूर का रिश्ता है। कि जो उसके मामा है ना, तो मेरे पापा के फूफा है, अच्छा, मेरे फूफा मामा के पोता है। बहुत ज्यादा दूर हो गया। मल्टीप्लाई बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर एज, कुछ खतरनाक तरीके से दूरी है। ये तो रीजनिंग का सवाल आ सकता है। मेरे पाप एक लड़की, मतलब रीजनिंग का सवाल कभी देखे? जनरल नहीं कंपटीशन का कोई, सर, बैंकिंग का, रेलवे, उसमें ऐसे ही पूछता है, मतलब सीधा ऐसे ही कहानी लिखा होगा। एक फोटो को दिखाते हुए एक लड़की ने कहा, इसके पिताजी मेरे फुआ के चाचा के मामा के बेटा के दादा थे, जरा बताइए मेरा इस लड़के से क्या रिश्ता है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, मजाक में ही बोल रहे हैं बट एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, मजाक में बोला हुआ सच्चा क्वेश्चन है, ऐसा होता है क्वेश्चन। तो तुम्हारा वैसा ही रिश्ता है, तुम अगर बताएगी तो सामने वाला कंफ्यूज, क्या रिश्ता है भाई इन दोनों में। इट स्टेट्स दैट ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर एज रिसोर्सेस डेवलप बाय आर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा अनंत सर क्लास कर रहे हैं कि नहीं ये पता है कि नहीं? क्योंकि मेरा उनसे बड़ा दिन से बात नहीं है। वो बोले थे उस सर, मुझे सर कि अगर तुम तो सर से रिपोर्ट क्या आवाज तुम्हारा कट रहा क्या? कह रहे करती, थे मतलब कि क्लास कर सकते हो। बोल रहे सर, बोल रहे थे कि अगर सर से पढ़ना चाहती हो तो ऑनलाइन पढ़ सकती हो। हाँ अच्छा, तो हो सकता ऑनलाइन चल रहा होगा, सर चल रहा है। पता नहीं, मेरा बड़ा दिन से बात नहीं हुआ। बीच में एक बार बात हुआ था, वीडियो कॉल पे भी बात किए थे, बट तो उसके बाद फिर मौका ही नहीं मिला, इतना बिजी हो। दैट इज ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई फास्टर। नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं, टीचर तो बहुत अच्छा है। अंतर अगर कुछ होगा हम दोनों में तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का ही होगा, और कुछ नहीं होगा। रिसोर्सेज डेवलप लिमिटेडली, देखो सिंपल सा मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म ज्योमेट्री प्रोग्रेसिव में बढ़ रहा है। जैसे मान लो पहले मेरे पास 1 कट्ठा जमीन था, उस 1 कट्ठा जमीन से मेरे पास 1 क्विंटल गेहूं हो रहा था, ठीक है? तो हम हैं, तो मेरा पेट इसमें भरेगा कि नहीं भरेगा, बताओ जरा, बोलो। आराम से भरेगा। अभी ये मेरे 2 बच्चे, अब टोटल हम हो गए 3, अब पेट भरेगा? सर हाँ थोड़ा थोड़ा सा भर जाएगा तो थोड़ा कुछ समय तक, और अगर देखें कुछ साल में तो फिर से अब हम लोग कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 7। अब ये 1 क्विंटल भारी पड़ा, मान लो बहुत है, पहले एक आदमी कमाने वाला था तो 1 कट्ठा जमीन खरीदा,
दो आदमी तो कमाने हो वाला जाएगा। हुआ तो हो सकता है कि अब सवा कट्ठा या डेढ़ कट्ठा जमीन खरीदे। अब 8 आदमी हो गया तो मान लो 2 कट्ठा खरीद ली, लेकिन 2 कट्ठा से मेरा जो गेहूं था वो बना 2 क्विंटल, और हम आदमी कितना गुना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 गुना, और एक आदमी 1 क्विंटल में खा रहे थे, अभी 7 आदमी 2 क्विंटल में खा रहे हैं। मतलब मेरा पॉपुलेशन तेजी में बढ़ रहा है जबकि मेरा जो रिसोर्स है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही लिखे ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई बाय ज्योमेट्रिक अच्छा प्रोग्रेशन, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे, जबकि रिसोर्स अर्थमेटिक से बढ़ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे। और इस सब का कहने का सिंपल मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है जबकि रिसोर्सेज लिमिटेडली मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक में तो बताओ। नहीं सर, नहीं, नेक्स्ट पॉइंट। एक और बात जो पहले भी बोले थे कि डार्विन के लिए फिट ऑर्गेनिज्म का सिंपल मतलब था जो रिप्रोडक्टिवली फिट हो, तो सीधा लिखेंगे सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म हैव मोर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स हैव मोर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल दैट इज मोर रिप्रोडक्टिव रेट है। खैर, अब अगला बात जो था उनके थ्योरी का वो था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसको हटाए, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बात था इनके टॉपिक का वो था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करता रहता है। अगर कभी नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी इस तरह का चैनल देखने का शौक रहा हो, कभी देखती नहीं देखती है जानवर लोगों का लड़ाई, शेर चीता लड़ रहा है, मजा आता देख के, कभी से देखती हो? ऐसा देखती हो टीवी हाँ, टीवी में ही, नहीं तो क्या, असल में कौन जाएगा शेर और चीता देखने, वो भी लड़ रहा है, हम लड़ो लड़ो एंजॉय करते हैं, इंसान थोड़े ना दो लड़ रहा है WWE देखने चलेंगे। खैर, अगर नोटिस की होगी तो वहां लड़ाई का अक्सर दो तीन कारण होता है। कारण नंबर वन, एरिया। अगर एक शेर के एरिया में कोई दूसरा शेर या कोई दूसरा बाघ चला जाए तो लड़ाई हो जाएगा, सही बात है नहीं है? दूसरा, खाना के लिए। अगर एक शेर के एरिया में कोई दूसरा शेर जाकर खाना ले ले या शिकार करे तो भी लड़ाई होगा, ठीक है। और तीसरा, मेटिंग के लिए। अक्सर मेल का नंबर अधिक होता है, या अगर नंबर कम भी है ना, फीमेल का नंबर भी किसी पॉपुलेशन में अधिक है, फिर भी मेल जो है वो डोमिनेटिंग होता है, वो चाहता है कि सारी फीमेल के साथ हम ही मेट करें, सिर्फ मेरा ही बच्चा आए दुनिया में। ये एनिमल्स का मतलब कोई जनरल कैरेक्टर टाइप का कह सकते हो आप। ये सब चीज डॉग्स में भी देखोगे, डॉग्स का जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो कोई दूसरे एरिया का जो मजबूत डॉग होता है वो आता है, नोटिस करता है, और अगर कोई बच्चा को देख लिया किसी दूसरे डॉग का तो उसको मार देना चाहता है। कभी नोटिस किया सर? तो ये भी एक कैरेक्टर है, उसको मार देना ऐसा चाहता है, इसीलिए मारना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सामने वाले ये डॉग का पॉपुलेशन है। बढ़े, वो सिर्फ चाहता है कि मेरा पॉपुलेशन, मेरा जो जीन से वही आगे कंटिन्यूड हो। और असल में नेचर का ये सेलेक्ट करने का तरीका भी है, अगर आप अपने बच्चों को बचा नहीं सकते, आपका जीन इतना कमजोर है कि आपके शरीर में ताकत नहीं है कि आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं, तो कोई हक नहीं ऐसे जीन को इस दुनिया में बने रहने का। तो आपका बच्चा जन्म लेगा भी तो जिंदा नहीं रह पाएगा, तो आपका जीन तो यूं ही खत्म हो जाएगा, आप मरिएगा, आपका जीन भी गया। जो मजबूत होगा वही रिप्रोड्यूस करेगा, उसी का जीन आगे बढ़ेगा। मतलब नेचर जो सुपीरियर जीन्स था उसको सेलेक्ट कर लिया और जो इंफीरियर जीन था उनको हटा दिया, समझे बात? यही है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जिंदा रहने के लिए कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करना पड़ता है, कभी रहने के लिए, जगह के लिए, कभी खाने के लिए, कभी मेट के लिए, हर चीज के लिए। ये स्ट्रगल बहुत लेवल का हो सकता है। सबसे पहला इज इंटर स्पेसिफिक,
इंटर स्पेसिफिक मतलब देखो, जैसे इंटरनेशनल मैच दो देश के बीच में होता है, उसी तरह इंटर स्पेसिफिक दो स्पीसीज के बीच में होता है, ये बड़ा कॉमन है और थोड़ा वीकर लेवल का स्ट्रगल बहुत कॉमन। कैसे देखो ना, हमेशा ही एक शेर हिरन का शिकार करता है, हिरन हमेशा बचना चाहता है, शेर हमेशा मारना चाहता है। दो अलग अलग स्पीसीज है, दोनों में जिंदा रहने का स्ट्रगल। हिरन बचा लिया खुद को तो जिंदा रहेगा, शेर अगर नहीं मारा तो भूखा मर जाएगा, तो उसको मारना है तभी जिंदा रहेगा। तो ये स्ट्रगल हुआ, लेकिन ये वीकर है, खाना खा लिया उसके बाद शेर सांस में बैठ गया। अच्छा तो इसको बोलेंगे अकर्स बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, अकर्स बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, लायन एंड डियर। सॉरी, अच्छा नेक्स्ट इज इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब होता है एक स्पीसीज के अंदर ही स्ट्रगल, मतलब ये कि हम दोनों इंसान अगर हम दोनों आपस में लड़ने लगे तब वो स्ट्रगल और स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग क्यों होगा? लगता है कि यार जब शेर लड़ रहा था तब तो आप बोले कि वीक है, अभी हम शेर और हम लड़ रहे हैं तो वीक है, शेर अलग स्पीसीज का, हम अलग स्पीसीज का, तो वीक है। और अगर हम अपने ही स्पीसीज किसी और के साथ लड़ रहे हैं तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्ट्रगल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शेर और हम में जब लड़ाई होगा तो हम में से कोई एक भारी पड़ेगा। अगर हथियार के साथ लड़े तो हम भारी पड़ेंगे, शेर को अपना जान बचाना पड़ेगा, शेर को पता कुछ नहीं कर सकता। अगर हथियार के बिना लड़ेंगे तो शेर भारी पड़ेगा, हमको पता कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर दो इंसान लड़ रहा है, जैसे अभी देखो अक्सर न्यूज में होगा इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई हो गया, देख रहे हो न्यूज? देखे, सुनी नहीं? सुनी अच्छा नहीं? सुनी? बहुत जबरदस्त लड़ाई हो रहा है, हजारों हजार रॉकेट एक एक दिन में फेंका जा रहा है गाजा। डेली रात में फिलिस्तीन वाला जो है गाजा, वो इसराइल पे ऑलमोस्ट 1,000 1,500 रॉकेट डाल रहा है, इसराइल भी वही कर रहा है। तो ये लड़ाई दोनों देश के बीच का स्ट्रगल, ये स्ट्रॉन्गर इसीलिए है ना, क्योंकि दोनों का ताकत बराबर है। हम भी इंसान है, सामने वाला भी इंसान है। अगर दिमाग से लड़ेंगे तब भी दोनों का लेवल बराबर, शरीर से लड़ेंगे तब भी दोनों का लेवल बराबर। तो अगर दो बराबर चीज लड़ेगा तो एक दूसरे पे जीतने के लिए अपना ताकत को कई गुना तरीके से यूज करना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर हम अपने दोनों हाथ नहीं पंजा लड़ाएं, अगर हम किसी सामने वाले के साथ पंजा लड़ाएं तो आराम है, बट अगर हम ही दोनों अपने आपस में दोनों हाथ के साथ पंजा लड़ाएं तो हम ही ये हाथ भी हैं और हम ही ये हाथ भी हैं। मतलब कौन ताकत कब हावी होगा हमको नहीं पता, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर स्ट्रगल होता है। ये सब सांप ये सब में देखने को खूब मिलता है, सांप में, कॉकरोच में, ह्यूमन वॉर तो आप जानते ही हैं। कॉकरोच में क्या होता है कि सेम स्पीशीज कॉकरोच अगर भूखा होगा तो दूसरे को अच्छा मार के खा जाएगा, सांप में भी ऐसा ही होता है। तो ये भी बहुत खतरनाक तरीके का होता है। तो लिखेंगे बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। एग्जाम्पल क्या? तो पहला इज ह्यूमन वॉर और दूसरा इज कॉकरोच में देखने को मिलता है, स्नेक में देखने को मिलता है। अच्छा एक चीज और, अभी हम बोले ना एक स्पीशीज का जानवर उसी स्पीशीज के जानवर को मार के खा जाए, जैसे सांप में बताया एक सांप दूसरे सांप को मार के खा सकता है, उसको बोलते हैं कैनिबलिज्म। अगर एक स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म अपने स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को ही मार के खाए तब उसको बोलते हैं कैनिबलिज्म। कॉकरोच में भी होता है वीकर कैनिबलिज्म, ये इसमें एज पूरा पूरा एक कॉकरोच पूरे पूरे दूसरे कॉकरोच को मार के नहीं खाता, लेकिन हाँ उसका जो क्यूटिकल होता है बॉडी के ऊपर लेयर को, इसे तो हम खा सकता है। मतलब ये कि हम किसी दूसरे इंसान को मार मार के नहीं खाएं, उसका चमड़ा छील दें और चमड़ा खाएं, तब कहेंगे ये वीकर कैनिबॉलिज्म है। पूरा इंसान को खा गया दैट इज स्ट्रॉन्गर कैनिबॉलिज्म, नरभक्षी टाइप कुछ ऐसा, वीकर कैनिबॉलिज्म। समझे? और तीसरा होता है इन्वायरमेंटल, प्रकृति के साथ लड़ाई।
इन्वायरमेंटल, ये तो एकदम खटिया खड़ा कर देता, डिवास्टेटिंग, ये डिवास्टेटिंग होता। अभी देखो कितना बढ़िया कोरोना आया हुआ है, प्रकृति के साथ हमारा लड़ाई चल रहा है। इसका एग्जाम्पल अर्थक्वेक ले लो, सुनामी ले लो, ये सब प्रकृति के साथ हमारा लड़ाई है जो बहुत खतरनाक है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरिएशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ठीक है ना, और पढ़ लोगे कि छोड़ दें? अंजू, क्या सर? अरे पढ़ लोगी और या छोड़ दें? बोलो, अकेले ही हो, बोलो, बोलोगी तो ही पढ़ाएंगे। क्या आवाज कट रहा है, क्या कर रही हो? पढ़ा दें या छोड़ दें? आवाज कट रहा बच्चे, कुछ नहीं, जरा चैट में लिख के बताओ ना। दीजिए सर। अच्छा छोड़ दे, चलो ठीक।